शिक्षा में भाइयों बहनों, मैं जितेंद्र शाह 31-3-2022 का ऑडियो आपके बीच में प्रेषित कर रहा हूँ। ये ऑडियो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा का ऑडियो है। कई दिनों से देख रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर ग्रुपों में चर्चा चल रही है। शिक्षा मित्र को गुमराह और हतोत्साहित किया जा रहा है। मैं सभी शिक्षा मित्र भाइयों बहनों से आज बता देना चाहता हूँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी भविष्य की नीति होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आप सुरक्षित हैं, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह पूरे देश के लिए लागू होगी, केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं लागू होगी। हर प्रदेश में संविदा शिक्षक कार्यरत हैं और किसी को कहीं पर दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी नहीं होगी, जैसा कि आज वार्ता के अनुसार आपको अपना ऑडियो प्रेषित कर रहा हूं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं शिक्षा में भाइयों बहनों, आप एक कर्मचारी हैं, चाहे अर्धकालिक हो चाहे दीर्घकालिक, सरकार किसी भी पार्टी की हो, किसी भी की सरकार हो, सरकार सरकार होती है, सरकार अपनी होती है। सरकार को टारगेट करके चलेंगे तो सारी योग्यता धरी की धरी रह जाएगी, परिणाम शून्य मिलेगा। सरकार को सरकार मानकर चलेंगे, सारी योग्यता न रहते हुए भी परिणाम अच्छा मिलेगा, क्योंकि सरकार की हर तरह के नियम कानून, सरकार के पास हर तरह के कागजात तैयार करने का एक संसाधन है, जो लीक से लाख बना देगी, लाख से लीक बना देगी। लेकिन आपने देखा होगा आज 2022 के चुनाव में सारे राजनीतिक पार्टी जरूर सीख ले लिए होंगे कि कर्मचारी मने कुछ नहीं, कर्मचारी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि कर्मचारी अपने आप को एक राजनीतिक पार्टी मान लिए। पहले सालों में ऐसा नहीं हुआ करता था, कर्मचारी कर्मचारी होता था, सरकार सरकारें होती थी। लेकिन आज के परिवेश में 2-3 सालों में मैं देखा हूं, जैसा कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में मैं मना करते रह गया, लेकिन कुछ लोगों के बहकावे में कुछ शिक्षा मित्र आ गए जो सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर सारे शिक्षा मित्रों को भविष्य पे अंधकार की घटा वो दिखाने लगे, और अंधकार में हो गया। लक्ष्मण मेला मैदान से बड़ा आंदोलन कोई नहीं हो सकता है, दिल्ली से बड़ा आंदोलन कोई नहीं हो सकता है। जब इतने बड़े बड़े आंदोलन कर लिया गया, मैं अपने आप को परिवर्तित कर लिया। परिवर्तन करने के बाद रास्ता थोड़ा घुमावदार था, लेकिन मैं चलने का प्रयास किया। लेकिन सारे संगठन के लोग, भांति भांति के लोग पैदा हो गए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में पैदा हुए थे। 5 साल में कुछ परिणाम नहीं आया, शून्य रहा। सारे संगठन इकट्ठा हो गए, सारे प्रदेश अध्यक्ष इकट्ठा हो गए कुछ दिन चुनाव के पहले, लेकिन सैकड़ा की भीड़ नहीं इकट्ठा कर पाए, क्योंकि सोशल मीडिया का आंदोलन था। सोशल मीडिया पर तरह तरह के भांत भांत के लोग जुड़े हैं, और वही टारगेट पर करके शिक्षा मित्रों को आंदोलन में बैठा दिए, और सारे संगठन के बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, और सैकड़ा का भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाए। एक हंसी का पात्र बन गए समाज में, इस शिक्षा मित्र की यही ताकत है। मैं अपने आप को अलग कर लिया था, और आज भी अलग कर लिया हूँ। आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, आप किसी एक नेतृत्व एक संगठन पे ही विश्वास करें तो आपकी सफलता आपके हाथ में होगी, अन्यथा नहीं हो सकती। देखिए, फोटो सेशन चालू हो गया है। फोटो सेशन कितनी तेजी से वायरल हो रहा गुरु, 5 साल में एक पेपर यदि जारी कराए होते, एक अधिकारी से कोई कार्यवृत्ति जारी कराए होते, तो ये नेता नेता लायक होते। जब मेरा ऑडियो पढ़ता था ग्रुपों में, तो एक गोरखपुर के नेता थे, एक बलिया के नेता थे, वो ऑडियो का काट प्रेषित करते थे, काउंटर करते थे। बलिया का नेता का एक दिन फोन आ गया एक हफ्ता पहले, साई जी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं कहा, आप तो बड़े नेता हैं भाई, आप मुझसे क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, आपसे बात करना चाहता हूँ।
मैं क्या बड़े नेताओं से नहीं बात करता हूँ, मैं एक छोटा नेता हूँ, मुझे राजनीतिक कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, शिक्षा मित्र के लिए जीवित हूँ, शिक्षा मित्र के हित के लिए ही मरूंगा। मैं फोन काट दिया, बात नहीं किया, क्योंकि दीप स्वप्न दिखाने वाले लोग थे ये लोग। अति उत्साह में 2024 के चुनाव अभी बाकी है, 2022 में आपने देखा होगा, अति उत्साह में कुछ लोगों के बहकाव में क्या क्या लोग नहीं कर दिए सोशल मीडिया पे, और परिणाम हम आप पर निर्भर नहीं है, अब परिणाम जनता पर निर्भर है। जनता जिसको चाहेगी उसी की सरकार बनेगी, जनता नहीं चाहेगी तो सरकार नहीं बनेगी। और सरकारें भी समझ गई हैं, ये दिखावा आप कुछ भी कर लो, जनता ही एक सच्चा लोकतंत्र है और उसी लोकतंत्र से सरकार चुनेगी। यह प्रदर्शन आप खुद अपने आंखों से देखे होंगे, सुने भी होंगे, उसके बावजूद भी कुछ दिनों तक आप शांत रहिए, बहुत अच्छा। अभी जल्दी में कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है, जल्दी में कोई बहुत बड़ा परिणाम आपके सामने नहीं दिखाई देने वाला है, कुछ समय लगेगा और समय के बाद ही परिणाम दिखाई देगा। कल मैं अपने आदर्श अधिकारी श्रीमान जिला अधिकारी गोरखपुर से मुलाकात भी किया हूँ, स्थानीय चुनाव निकाय की बात आपको बात बताऊंगा, चाहे मूल विद्यालय को आपसी हो, चाहे महिला बहनों के ससुराल में जाने की बात हो, कुछ चर्चाएं हुई हैं, मैं उस पर प्रकाश पूरा नहीं डालूंगा। आज भी मैं शासन में कुछ चर्चा किया हूँ, इसी नाते आपके बीच में ऑडियो भी प्रेषित कर रहा हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय पर। इस नाते आप सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप निर्दोषता के साथ जिस तरह पूर्व से कार्य करते आ रहे हैं, करते रहिए और चलते रहिए, परिणाम आपको मिलेगा। यदि परिणाम चाहते हो तो, नहीं चाहते हैं तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सरकार को टारगेट बनाकर चलेंगे तो सरकार आपको कभी टारगेट बना लेगी तो दिक्कत पैदा हो जाएगी। अभी भी सरकार आपके साथ खड़ी है, काम हो या न हो लेकिन आपके साथ खड़ी है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपके भविष्य का निर्णय कैसे करना, किस तरह करना है, वो सरकार पर निर्भर करता है, लेकिन सरकार को टारगेट करना, सरकार से के साथ सामंजस्य बनाना, वो आप पर निर्भर करता है। टारगेट बनाएंगे तो 60-65 नहीं 70-75 भी हो सकता है, और टारगेट नहीं बनाएंगे, सामंजस्य बनाएंगे तो 60-65, 40-45 में भी प्रवेश कर जाएंगे, ये आप पर निर्भर करता है। इसी नाते ज़्यादा ना कुछ कहते हुए आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, एक नेतृत्व एक संगठन पर विश्वास करिए, अति उत्साह में कोई ऐसा निर्णय न लीजिए जिससे पूरे शिक्षा मित्र समाज बदनाम हो, ये आप पर निर्भर करता है। इसी के साथ अपनी बारी विराम देने से पहले, मार्च महीने का मानदेय भी शीघ्र आने वाला है और एक विशेष सूचना आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। विशेष सूचना यह है कि जो मेरे शिक्षा मित्र भाई कोरोना काल में नहीं रहे हैं, उनके परिवारों का फोन नंबर सहित जावेद जी को उपलब्ध करा दीजिए, उनके विषय पर चर्चा होने वाली है, लिखित प्रक्रिया के साथ अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन इतना जरूर करिएगा कि जल्द से जल्द उपलब्ध कराइए, एक दो दिन में उपलब्ध कराइए कि परिणाम वो भी दिखाई दे। आपसे फिर पुनः एक बार विदा लेते हुए इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आप हैं, सरकार सरकार है, तो सरकार से सामंजस्य ही बनाकर आप लाभ निकाल ले सकते हैं और भविष्य को संवार सकते हैं, सरकार को टारगेट बना के नहीं कर सकते हैं। जैसा कि लगभग 2-2.5 लाख प्रेरक थे, देखे होंगे अब परिणाम क्या आया, 20-22 हज़ार कस्तूरबा के टीचर थे, देखे होंगे परिणाम क्या आया। इस नाते आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सरकार से सामंजस्य के तरफ बढ़ें, न कि टारगेट। कुछ लोगों के बहकावे में सरकार को टारगेट न बनाएं। इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय शिक्षक, जय शिक्षा।